गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी पेज नंबर 89 ऑफ लेसन 15 एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द पेज नंबर 89, वी विल सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन आर, फर्स्ट न्यू वर्ड इज कैरी. कैरी का मतलब होता है बोझ ढोना. सेकेंड इज क्रॉल. क्रॉल का मतलब होता है रेंगना. फिर है टायर. टायर का मतलब होता है थका हुआ. फिर है टर्टल. टर्टल का मतलब होता है कछुआ. Now we will see the topic of page number 89. The first topic is reading is fun. Here the first question is how does a turtle walk? किस तरह से एक कछुआ चलता है? तो इसका आंसर है a turtle walks very slowly. एक कछुआ जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है. The next question is what does the turtle इट्स हाउस ऑन इट्स बैक. तो टर्टल जो है अपने घर को अपने साथ ही अपनी पीठ पर ढोकर चलता है, उसके घर को जिसको कि सेल कहते हैं, ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डज द टर्टल गो वेन इट इज टायर्ड. एक टर्टल कहाँ जाता है जब वो थक जाता है? तो द आंसर इज द टर्टल गोज टू बेड वेन इट इज टायर्ड. और जब वो टर्टल थक जाता है तो वो कहाँ जाता है? अपने बेड में जाता है. तो उसका बेड क्या है? उस सेल के अंदर उसका बेड होता है जहाँ वो अपने हेड टेल और फिर अपने लेग्स को छुपा कर उसमें बैठ जाता है, आराम करता है, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स टॉक. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड. तो कछुए के घर को हम लोग क्या कहते हैं? द आंसर इज द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड ए सेल. कछुए के घर को सेल कहते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अदर रीजंस कैन यू गिव फॉर ए टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस. एक कछुआ जो घर अपने घर में छुप जाता है, तो जब वो थक जाता है तब वो छुप जाता है, हमने इस पोयम में पढ़ा था. और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि और भी क्या, कौन से अदर रीजंस हैं, और भी दूसरे क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से कछुआ अपने सेल में छुप कर बैठ जाता है, ठीक है. तो इसका आंसर मैंने लिखा है द अदर रीजंस फॉर ए टर्टल गोइंग इन टू इट्स हाउस आर टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स, टू हाइड फ्रॉम एनिमीज और अदर डेंजर्स. तो द अदर रीजन्स फॉर ए टर्टल, यानी कि दूसरे कारण क्या हो सकते हैं एक कछुए के लिए कि वो अपने घर खुद में चला जाता है, कि टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स. वो अपने आप को कारण ये भी हो सकता है कि जब उसे दुश्मनों का खतरा हो और उसे नुकसान पहुंचने वाला होता है तो वो अपने घर में छुपकर बैठ जाता है, ठीक है. या दूसरे भी खतरे होते हैं, जिन जिन सब चीज़ों से अगर उसे खतरे का आभास होता है तो फिर वो अपने घर में छुपकर बैठ जाता है. इस तरह से हमने लेट्स टॉक टॉपिक देखा. नाउ वी विल कम टू द पेज नंबर 89. हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज से अलॉट. हियर आर सम वर्ड्स यू हैव टू से अलॉट दीज वर्ड्स. सर्कल पर्पल टर्टल. Fire, liar, tired. Cat, caught, cup. Kick, king, kit. Quack, queen, quick. The next topic is let's share. Here the question is imagine you are a turtle, crawl like a turtle. आपको यहाँ पर ये कुछ चीज़ें करनी है. आपको ऐसा सोचना है कि आप एक कछुआ हो और आपको एक कछुए की तरह रेंग कर धीरे धीरे चल कर बताना है, ठीक है. Now you are tired, so get into योर सेल एंड गो टू स्लिप. और इस तरह से उसके बाद क्या हो जाता है, आप थक जाते हो तो इस तरह से आपको एक कछुआ जो अपने सेल में दुबक कर बैठ जाता है उस तरह से आपको बैठना है और सो जाना है, ठीक है. वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन. और फिर थोड़ी देर के बाद उठना है और फिर आपको चलना है, ठीक है. फिर से रेंगना है कछुए की तरह. नाउ हाइड इन योर सेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू. उसके बाद फिर हाइड करिए, छुप जाइए, क्योंकि उसके क्योंकि आपके पास जो है कुछ नॉटी चिल्ड्रन आ गए हैं, मतलब कि कुछ बदमाश बच्चे आ गए हैं जो आपको तंग करेंगे, ठीक है. फिर इस तरह से आपको ये एक्टिंग करनी है. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कलर बोथ द टर्टल्स. आपको इन टर्टल्स को कलर करना है, ठीक है. यहाँ पे टर्टल के सेल दिए हुए हैं, इसको कलर करना है. तो यहाँ पे दो सेंटेंस पे रेंग रहा है, कह रहा है कि मैं बहुत धीरे धीरे रेंगता हूँ. आई पुट इन माई हेड. और मैं अपने सर को अंदर सेल में छुपा लिया.
ठीक है, इस तरह से ये दो सेंटेंस थे यहाँ पे, और इस तरह से आपका पेज नंबर 89 भी कंप्लीट हो जाता है। आप होमवर्क में सारे न्यू वर्ड्स और रीडिंग इज फन के क्वेश्चन आंसर, फिर लेट्स टॉक के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।